मैंने उसको वही झन्नाटेदार थप्पड़ मारा जो मैंने आईबीएन 7 में सितंबर 2015 को मारा था। शराब के नशे में सिगरेट का कस लिया अपने मुंह के अंदर और धुआं मेरे मुंह पे फेंका, तो वो साथ में वो फिर क्रॉस कर चुका था सीमा। फिर मैंने उसको वही झन्नाटेदार थप्पड़ मारा जो मैंने आईबीएन 7 में सितंबर 2015 को मारा था। उसके बाद मैंने कोशिश की, क्योंकि वहाँ पर स्मोकिंग रूम में कैमरा नहीं है, तो मैंने कोशिश की उसको घसीटने की बाहर ताकि वो कैमरे के सामने आ जाए। निकालने का वजह जो मैंने 30 दिसंबर 2016 को जो मैंने सलमान खान को थप्पड़ मारा था वो इन लोगों ने नहीं दिखाया, अभी तक नहीं दिखाया है, और उसका इन्होंने खंडन भी नहीं किया है। यदि मैं कहता हूं कि मैंने सलमान खान को थप्पड़ मारा और उसके बाद सलमान खान ये बयान देते हैं कि स्वामी ओम जी ढोंगी है, और वो इस बात का खंडन नहीं करते हैं कि मैंने उनको थप्पड़ मारा है या नहीं मारा है, वो चुप रहते हैं, सीधा मतलब है कि मैंने उनको थप्पड़ मारा और उनकी दबंगई मैंने निकाल दी। उसने मुझे ये कहा कि स्वामी जी दाऊद इब्राहिम मेरा दोस्त है, अबू सलेम मेरा दोस्त है, हाफिज सईद मेरा दोस्त है, ISI जो पाकिस्तान का गुप्तचर एजेंसी है वो लोग मेरे ही सहारे पे चलते हैं, मैं उनके सहारे पे चलता हूँ, शाहरुख खान आमिर खान इन सब के साथ मिलकर के हमने ये एक योजना बनाई हुई है कि हम पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बना देंगे और फिल्म इंडस्ट्री में हम किसी भारतीय हिंदू एक्टर एक्ट्रेसेस को हम बढ़ने नहीं देंगे, ये हम होने नहीं देंगे, मैं देशद्रोहियों की मैं हत्या करता हूँ, अब तुम मेरे टारगेट पे हो। तो उसने ये कहा कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अभी जोधपुर वाला केस जो चिंकारा वाला था उसमें, और बॉम्बे वाला जो 6 लोगों की उसने हत्या की थी अपने कार से, उसने कहा कि हमने दोनों जजों को 100-100 करोड़ में खरीद करके हमने अपना आपको बरी करा लिया, हम यदि आपको मार भी देंगे, मैं भी यदि आपको मार दूंगा तो मेरे खिलाफ कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ की जो जजेज हैं वो बिका हुए हैं, हम जजों को खरीदते हैं।